अच्छा तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट करें, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, सही है। अब इसके अंदर डिफरेंट एरर्स का भी जिक्र है, ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ को हमें बताया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इनिशियल ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट्स आर रूल्ड ऑफ और बैलेंस्ड ऑफ। याद है आपको, हम जब टी अकाउंट्स बनाते थे तो हम उनको बैलेंस ऑफ करते थे, राइट। तो ये वही स्टेप बता रहे हैं यहाँ पे। और डेबिट बैलेंस ऑन एन अकाउंट इज शोन एज ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। सिमिलरली इफ देर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑन अकाउंट द ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड शुड बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये भी मैंने आपको बात बताई थी जब हम टी अकाउंट्स कर रहे थे। इसके अंदर हमने देखा था कि जब भी जैसे यहाँ पे आता है ना, फॉर एग्जाम्पल बैंक है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आएगा, राइट। अगर बैलेंस बैंक या कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो क्लोजिंग होएगा इसका यहाँ पे आया होगा लास्ट मंथ, राइट। तो मैंने आपको ऑपोजिट इसका बताया था कि ऑपोजिट साइड पे इसकी एंट्री आती है, राइट। ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी यही बात करें कि डेबिट बैलेंस हम किसको कहते हैं, जब ओपनिंग उसका डेबिट पे आए, क्लोजिंग क्रेडिट पे, ओपनिंग डेबिट पे आ जाए। तमाम जो एसेट्स है ना, जो कैटेगरी वन वाली आइटम्स हैं उनको डेबिट बैलेंस ट्रीट किया जाता है, और तमाम जो कैटेगरी टू वाली आइटम्स हैं उनको एज ए क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी हो गया, तमाम क्रेडिट बैलेंस आते हैं। यहाँ भी एग्जैक्ट सेम चीज लिखी हुई है सारी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस लेजर में किस साइड पे एंट्री आती है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि अ ट्रायल बैलेंस चेक्स वेदर अ लेजर अकाउंट्स आर करेक्ट इन सो फार एज द टोटल डेबिट बैलेंसेज एंड द टोटल क्रेडिट बैलेंसेज आर इक्वल। अच्छा, ट्रायल बैलेंस ना कुछ इस तरह का बनता है, सारे लेजर अकाउंट्स के टोटल यहाँ पे आप वन बाय वन, लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं, ठीक है। कैश, बैंक, लाइबिलिटी, पेबल, रिसीवेबल, सेल्स, परचेज, ठीक है। उसका जो है डेबिट और क्रेडिट पे बैलेंस आप लिखते जाते हैं। अगर सेल्स है तो उसका कहाँ पे आएगा, कैटेगरी टू वाली आइटम्स का क्रेडिट पे आएगा, और कैटेगरी वन वाली आइटम्स जो इनका डेबिट पे आएगा। कोई एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ड्राइंग्स हो गई और परचेजेस हो गई, इस तरह की सारी चीजें, तो ये हम लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारे लेजर अकाउंट के रिस्पेक्टिव बैलेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, गोल इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो टोटल है ना, टोटल्स दोनों के सेम आने चाहिए, हमारे डेबिट साइड के भी सेम आने चाहिए और क्रेडिट साइड के भी। क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हुई तो हमें पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया एरर चेकिंग डिवाइस है, राइट। अगर कोई गलती हुई, अगर ये दोनों इक्वल ना आ रहे हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमने टी अकाउंट्स या फिर डबल एंट्रीज में कोई ना कोई गलती की है, ठीक है जी। ओके, बिलाल कैसे हैं आप, ठीक है। ओके, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इस लेक्चर की। हमने जस्ट ट्रायल बैलेंस अभी शुरू किया हुआ है, ठीक है, और बस अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट ही सिर्फ देखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस का रीजन क्या होता है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, क्या इसका पर्पज क्या है। तो तीन मेन रीजन है इसके। पहला रीजन है, एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ ट्रायल बैलेंस इज यूज एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, इसको इस वर्ड को इग्नोर कर दें, यह भी हमने नहीं पढ़ा। मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और तमाम स्टेटमेंट्स को शुरू करने के लिए ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको गलतियां पता चलेंगी आप उनको करेक्ट करेंगे फिर ही तो जाके हम बना सकेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अगर गलतियां मौजूद हुई आपके अकाउंट्स में फिर तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर होल्डर को गलत आइडिया तो नहीं दे सकते, राइट। तो पहला इसका जो मकसद है ये है। सेकेंड है, ट्रायल बैलेंस शोज द करंट बैलेंसेस ऑन ऑल दी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। मतलब तमाम के तमाम, हमने ऊपर अभी देखे ना, तमाम हेड्स हम यहाँ पे लिखते हैं, इन लाइंस में लिखते हैं, तो तमाम के तमाम हेड्स का बैलेंसेस बता सकते हैं। दिस कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि टोटल एक्सपेंस ढूंढना चाहे, टोटल सेल्स ढूंढना चाहे, टोटल रिसीवेबल्स ढूंढना चाहे, तो ये आराम से आसानी से उनको बता सकते हैं। फिर लास्ट है, इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज अ प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर्स। ये इसका मेन मकसद है, ठीक है, थर्ड वाला, कि ये एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज एंड टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेज आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई मिस्टेक या गलती हुई है जब हमने लेजर अकाउंट्स मतलब कि टी अकाउंट्स में एंट्री की थी। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्राई टू फाइंड वेयर द डबल एंट्री मिस्टेक और मिस्टेक्स हैव बीन हैपेंड। अब ऑब्वियसली गलती हुई है तो हमें इसको इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन मकसद हैं ट्रायल बैलेंस के, ये भी आपको थ्योरी में आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। फिर ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन प्रोसीजर्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड सम विल प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। कुछ कंपनीज, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होगी।
कुछ कंपनीज जो हैं वो इसको, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मैंने देखा है, वो वीकली बेसिस पे भी बना रही होती हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वास्ट होती है। उनकी तकरीबन लाखों में ट्रांजेक्शन एवरी डे, हर दिन इनकर हो रही होती हैं। कुछ वीकली भी बनाती हैं, कुछ मंथली बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, या तो हाफ ईयरली होता है 6 महीने बाद, या फिर 1 साल में एक दफ़ा होता है ईयरली। ओके ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। ओके, प्रोड्यूसिंग एन इनिशियल ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे, ठीक है? तो पहले तो इफ टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स आर नॉट इक्वल, द इनिशियल ट्रायल बैलेंस विल हैव टू बी करेक्टेड, मतलब इसमें एडजस्टमेंट हमने करनी पड़ेगी। अ ट्रायल बैलेंस इज यूज टू प्रिपेयर, अच्छा ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद है इसका। अब स्टेप वन में क्या है कि बैलेंस ऑफ ऑल दी अकाउंट्स इन दी नॉमिनल जनरल लेजर। आपको मैंने बताया था जो हम टी अकाउंट्स बैलेंस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बैंक में 1,000 अंदर आए, 500 गए, फिर 200 गए, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे बैलेंस ऑफ करेंगे, हैवी साइड का बैलेंस लिखेंगे, जो टी अकाउंट्स में बेसिक बात मैंने बताई थी, कैरी डाउन यहाँ पे आ रहा है, जो डिफरेंस जो बन रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना बन रहा है 300 का, इनका टोटल 700 है, तो डिफरेंस बन रहा है 300 का। तो इसका मतलब ये वाला जो सारे कैरी डाउन बैलेंसेज होते हैं ना हर अकाउंट में, ये जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। फिर स्टेप टू है लिस्ट ऑल दी अकाउंट्स इन दी लेजर विद देयर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डिपेंड करता है, अब इसमें काम आएगी आपकी कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। अगर वो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो फिर आपको पता है क्या चीज़ डेबिट पे लिखनी है, क्या चीज़ क्रेडिट पे लिखनी है। इस केस में तमाम एसेट्स परचेजेज एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि उनका डेबिट ट्रीटमेंट होता है। और तमाम लाइबिलिटीज, सेल्स हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और इनकम हो गई किसी भी टाइप की, ठीक है, कैपिटल हो गया, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स पे जो जो उनके ट्रीटमेंट है वो हमने वहाँ पे लिखने होंगे। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है, मैं जस्ट आपको एक नज़र बता देता हूँ कि होगा कैसे। पहले तो इसने देखें सारे टी अकाउंट्स बना लिए, फिर सेकंड स्टेप पे इसने नीचे जाके क्या किया, इनको बैलेंस ऑफ कर लिया। आप देखें बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है यहाँ पे भी, सही है, यहाँ पे भी सारे बैलेंस कैरी डाउन आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कैरी डाउन हैं ये वाले, ये सारे जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। और एंड में देखें इसने ट्रायल बैलेंस बना लिया, इस तरह का सारे हेड्स के नाम है, जो जो अकाउंट जिस जिस नाम का आपने टी अकाउंट बनाया था वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब बैंक देखें, बैंक में अगर पैसे मौजूद हैं तो वो एसेट है ना, एसेट को क्या हम कहते हैं, डेबिट ट्रीटमेंट करते हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट ट्रीटमेंट ही होता है, कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकता। मोटर कार ये एसेट है हमारा, ये भी डेबिट ही होता है। परचेजेस ये कैटेगरी वन में आती है, ये भी डेबिट होती हैं। फिर सेल्स कैटेगरी टू की आइटम है, ये क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो याद करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल दे दी, इंट्रोडक्शन दे दिया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ लें, क्लियर है जी यहाँ तक। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा अब मेन जो चीज़ है इसके अंदर वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके अंदर मेन चीज़ है एरर्स का, ठीक है, कि एरर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो टाइप्स के एरर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। दो टाइप्स के एरर्स हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारी एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहली टाइप है हमारे पास कि ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, जिनकी गलती ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा कि डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स के इक्वल नहीं आ रहे होंगे, डेबिट्स विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट, ये साइन जो होता है ये होता है विल नॉट बी इक्वल टू, सही है। तो इस केस में क्या होगा, डेबिट्स विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट, मतलब कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा 500 ट्रायल बैलेंस के अंदर, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल 450। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये वो वाले एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं ट्रायल बैलेंस ने जो वो ऑलरेडी पकड़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ने 50 का एरर देखें आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस जिसमें अंधा हो जाता है, जिसमें उसको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता, उनको हम कहते हैं एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि अंधा हो जाएगा, ये ब्लैक ऐनक पहन लेगा, तो इस केस में डेबिट हमेशा क्रेडिट की इक्वल होंगे,
ट्रायल बैलेंस शो ही नहीं करेगा कोई एरर हुआ है, राइट। वो तो कहेगा सब ठीक है, आप आगे चलें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चलें, ठीक है। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस ट्रिक हमें करेगा, हमें खुद पकड़ने पड़ेंगे बैलेंसेस। अच्छा, अब सवाल वो कैसे पूछेगा, अभी हम सवाल देखते हैं किट से, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों के रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दे देगा, टोटल्स दे देगा, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये वाले डेबिट्स और क्रेडिट्स के टोटल दे देगा, और बताएगा 1 2 3 4 करके लिस्ट दे देगा कि ये एरर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करें, करेक्ट करें, क्या होगा, सही है। तो दो टाइप्स के एरर्स हैं, वन बाय वन को डिस्कस करते जाते हैं, सही है। अच्छा, फर्स्ट टाइप के एरर्स हैं हमारे पास, एरर्स आइडेंटिफाइड बाय द ट्रायल बैलेंस, एरर्स आइडेंटिफाइड। तो पहला एरर है हमारे पास एरर ऑफ सिंगल एंट्री। अब इसको पढ़ते हैं क्या है। सम हाउ ट्रांजेक्शन मस्ट have been recorded in such a way that debit entry for the transaction was not matched by a credit entry. One option is for only one part of the double entry to be posted, say debit $100 but not the other part. अच्छा, पहली गलती है जिसका नाम है error of single entry। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाता हूँ और व्हाइट बोर्ड पर भी लिखता जाता हूँ। एरर ऑफ सिंगल एंट्री, आपको नाम ही खुद ही बता रहा है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल एंट्री का क्या मतलब कि आपने डेबिट कैश कर दिया लेकिन सेल क्रेडिट नहीं किया, डेबिट कैश 500, कैश सेल हुई थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डेबिट आपने कैश कर दिया 500 से, क्रेडिट करना जी याद ही नहीं रहा आपको, तो क्या इधर डिफरेंस आएगा, क्या इधर डिफरेंस आएगा? यस आएगा, बिल्कुल आएगा। और डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस ने ये एरर पकड़ लिया है, ये हमें बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल ही नहीं है। तो फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एरर्स व्हिच कुड बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये वाला एरर है सिंगल एंट्री वाला, जो कि ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, ओके, ठीक है। अच्छा, यस सर, नेक्स्ट पे आते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मैं एक काम करता हूँ, मैं मुझे 2 मिनट दें, मैं F3 की बुक ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसने सही तरह इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, F3 की बुक में ये काफ़ी हद तक सही तरह इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक सेकेंड, अच्छा जी, ये F3 की मैंने बुक ओपन की, कंटेंट दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस हम करें दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसने फर्क डाला हुआ है दोनों में, एरर्स में, ठीक है। ये देखें, हम अभी पहले ये वाले कर रहे हैं, एरर वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि वो वाले एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर देगा, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ना बैलेंस होके, राइट। तो पहली गलती इसमें है सिंगल साइडेड एंट्री, सिंगल साइडेड एंट्री, अ डेबिट एंट्री हैज बीन मेड बट नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री और वाइस वर्सा, वहां पे हमने सिंगल एंट्री पढ़ा है इसको, ठीक है। तो एक ही बात है, सिंगल साइडेड एंट्री, ये पहली एग्जांपल है हमारी, ठीक है। ये साथ साथ आप लोग लिखते भी जाएं जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड है, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट डिफरेंट वैल्यूज। देखें इसमें क्या हुआ है कि हमने किया जी डेबिट 500 से, क्रेडिट भी किया लेकिन क्रेडिट कर दिया गलती से 450 से, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या ट्रायल बैलेंस यहाँ एरर पकड़ेगा या नहीं, बिल्कुल पकड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई ट्रायल बैलेंस बता देगा क्रेडिट डेबिट अनइक्वल है, इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड है, टू डेबिट और टू क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड, मतलब कि आपने करना क्या था, डेबिट क्रेडिट करना था, बट यहाँ पे ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया है और आपने दोनों डेबिट्स कर दिए, मतलब कि डेबिट 500 और डेबिट 500, तो मतलब कि क्रेडिट साइड 1000 से कम होगी, राइट, क्योंकि सारा 1000 का बोझ कहाँ पड़ गया, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये तीसरी एग्जांपल है। फोर्थ है, एन इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट दैट इज मिसकास्टिंग,
इसका मतलब है कि आपने किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में गलत एडिशन कर दिया, मतलब कि किसी अकाउंट में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने मिस्टर ए से पैसे रिसीव किए, ठीक है, मिस्टर ए से आपने पैसे रिसीव किए, लेकिन गलती से आपने मिस्टर बी के अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, करना आपने डेबिट था लेकिन क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो उल्टा कर दिया, इनकरेक्ट एडिशन ऑन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, सही है। फिर ओपनिंग बैलेंस हैज नॉट बीन ब्रॉट डाउन, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप डी अकाउंट बना रहे हैं, सारी एंट्री सही साइड पे आपने लिखी है, पता चला जी ओपनिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा अकाउंट गलत आया होगा, ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग भी गलत आएगा, राइट, इस तरह भी डेबिट क्रेडिट पे डिफरेंस आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है। फिर एक्सट्रैक्शन एरर, एक्सट्रैक्शन एरर का मतलब है बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस इन रेलिवेंट अकाउंट और बैलेंस फ्रॉम द लेजर। देखें एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि टी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ के, उस पकड़ने को कहना एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, उस पकड़ने को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो टी अकाउंट्स के बैलेंसेस पकड़ के कहाँ डालने हमने, ट्रायल बैलेंस में, तो उस पकड़ने वाले एरिया में हमारी गलती होगी है, हमने अमाउंट को कितना पड़ा 500, लेकिन गलती से हमने एक जीरो ज्यादा लिख दिया ट्रायल बैलेंस में, 5000 लिख दिया, हमें लगा ये 5000 है लेकिन एक्चुअली तो 500 है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन एरर। सही है जी, क्लियर है आपको यहाँ तक? ये पहले टाइप के एरर्स हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करता, मतलब कि डेबिट्स क्रेडिट्स के इक्वल नहीं होते, ऑल्सो नोन एज वेयर ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाइज द एरर, ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है यहाँ पे एरर, ठीक है बिलाल, आपको क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब दूसरी जो टाइप है, दूसरी टाइप है हमारे पास, वो है कि जहाँ पे ट्रायल बैलेंस अंधा हो जाएगा, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकेगा, एरर्स कहाँ पे हुए हैं हमारे, ठीक है, एरर हुआ होगा लेकिन ट्रायल बैलेंस कहेगा ठीक है आप आगे चलें, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, लेकिन एरर हुआ होगा, तो एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेज, स्टिल बैलेंसेज, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल है एरर ऑफ ऑमिशन। अब एरर ऑफ ऑमिशन का मतलब है कि आपने ट्रांजेक्शन लिखी नहीं, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग रिकॉर्ड तक पहुंची नहीं, सेल हुई है आपकी 100 की, ना आपने क्रेडिट सेल किया है ना आपने डेबिट रिसीवेबल किया है, अकाउंटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चला कि सेल हुई है, ठीक है, बस आपने चुपके से सेल कर दी, तो आपने ऑमिट कर दिया, ऑमिट कर जाना, ऑमिशन का मतलब भूल जाना, आप भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर एरर ऑफ कमीशन, अब देखें एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है ना आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, दे आर सिबलिंग्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आपने गलत अकाउंट में अगर सही अकाउंट में एंट्री की है लेकिन रॉन्ग नेचर है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखें कमीशन, एरर ऑफ कमीशन जो है इसका क्या मतलब है, करेक्ट अकाउंट रॉन्ग नेचर, नहीं सॉरी सॉरी एक मिनट, रॉन्ग अकाउंट सेम नेचर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेचर से यहां पे क्या मतलब है, एसेट्स एक्सपेंसेस कैटेगरी वन की आइटम है या कैटेगरी टू की आइटम है, इसका मतलब है नेचर, ठीक है, क्योंकि देखें कैटेगरी टू पे जब हम मूव करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता है, राइट, मतलब कि ट्रीटमेंट जो हम कैटेगरी वन में डेबिट करते हैं इंक्रीज पे, कैटेगरी टू में डेबिट क्या हो जाता है, डिक्रीज का हो जाता है, इंक्रीज का तो नहीं रहता फिर, राइट। तो एरर ऑफ कमीशन की सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने रिकॉर्ड करना था मोटर कार, आपने मोटर कार बाय की, ठीक है, मोटर कार क्या है, एसेट है, लेकिन गलती से आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया इसको, आपने रिकॉर्ड कर दिया इसको मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, देखिए दोनों हैं एसेट, तो नेचर हमारी सेम है, बात सिर्फ कैटेगरी वन तक ही है, नेचर सेम है, अकाउंट कौन सा है, गलत है। तो देखें आपने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सही किया है, गलत अकाउंट में कर दिया है, तो क्या डेबिट और क्रेडिट में फर्क आए, नहीं बिल्कुल भी नहीं आया, डेबिट तो आपने सही जगह किया, सिर्फ अकाउंट गलत किया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये तो नहीं पकड़ेगा ना कि अकाउंट में गलत आपने एंट्री कर दी है, वो तो डेबिट और क्रेडिट की गलतियां पकड़ेगा, राइट। तो देखें करना आपने ये था, डेबिट कार करना था, क्रेडिट कैश करना था, लेकिन एक्चुअली क्या कर दिया, डेबिट मशीनरी, डेबिट मशीन और क्रेडिट कैश, देखें डेबिट क्रेडिट तो बिल्कुल सही हुआ है, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस एरर नहीं पकड़ेगा,
यहाँ पे वो अंधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एरर ऑफ कमीशन, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट की वर्ड है, एक रॉन्ग अकाउंट मतलब कि अकाउंट गलत है लेकिन नेचर सेम है, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट सेम नेचर, ये अपने पास आप लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं कमीशन का, कि अकाउंट गलत है लेकिन नेचर सेम होती है, ठीक है, ये चार वर्ड्स लिख लें। अब नेक्स्ट वाले हमारे पास प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अब मैं कह रहा था ये दोनों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन में सिर्फ ये फर्क है कि एरर ऑफ कमीशन में सेम नेचर थी ना, प्रिंसिपल में क्या होता है रॉन्ग नेचर हो जाती है। तो इसमें क्या है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग नेचर, इसका ये मतलब है कि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, आपने हीटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, ठीक है, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया गलती से, नॉन करंट एसेट। तो बहुत फर्क है राइट दोनों में, एक्सपेंस कहाँ पे होता है, नॉन करंट एसेट का ट्रीटमेंट कहीं और होता है राइट, लेकिन दोनों डेबिट हो रहे हैं ये तो लाजमी है, ठीक है। आपने करना था डेबिट कार 500, क्रेडिट कैश 500, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपने क्या कर दिया, एक्चुअली आपने किया जी डेबिट इलेक्ट्रिक बिल 500, क्रेडिट कैश 500। तो क्या डेबिट और क्रेडिट में कोई फर्क आ रहा है, क्या ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बता सकेगा कि एरर आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं बता सकेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम में फर्क आ रहा है, नाम पकड़ना ट्रायल बैलेंस का काम तो नहीं है, सिर्फ अमाउंट से गर्ज है ट्रायल बैलेंस में, राइट, समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक। यस सर, ओके तो ये चीज आप लिख लें, इसके इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, के कमीशन और प्रिंसिपल में क्या फर्क है, फिर हम आगे चलते हैं। सही है जी, लिख लिया आपने, आगे चलें। यस सर, ओके ठीक है बिलाल, यहाँ तक समझ आ रही है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, ओके नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी तक हमने कमीशन देख लिया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल देख लिया है, एरर ऑफ ऑमिशन देख लिया है, फोर्थ वाला है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब है टू डिफरेंट एरर्स हैव बीन मेड विच कैंसल ईच अदर आउट, मतलब कि एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, देखें हुआ क्या है कि आपने एक्चुअली करना था डेबिट कार, मतलब कि आपने कार बाय की, और क्रेडिट आपने कैश करना था। अब यहाँ पे आपने क्या किया, डेबिट कार 5000 और क्रेडिट कैश आपने गलती से कर दिया 5100। अब यही गलती आपको कुछ महीने बाद पता चली, लेकिन साल के अंदर अंदर, तो आपने इसकी कॉम्पनसेटिंग एंट्री क्या की, आपने कहा चले मैं किसी और फ्यूचर क्रेडिट में इसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किया जी 2-3 महीने बाद एक और एंट्री हुई, डेबिट एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस इनकर हुआ, होना वो 500 का था, ठीक है, लेकिन आपने 600 कर दिया, और क्रेडिट आपने कर दिया जी कैश 500, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्पनसेट हो गई है, इस 100 का ज्यादा होना डेबिट के 100 के ज्यादा होने से कैंसल आउट हो गया, राइट। अब इस तरह डेबिट्स और क्रेडिट सेम आएंगे बिल्कुल, राइट, तो इसका ये मतलब है कि कॉम्पनसेट कर दिया एक दूसरे को, सही है, ये कॉम्पनसेटिंग एरर है। फिर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका मतलब है द क्रेडिट द करेक्ट डबल एंट्री हैज बीन मेड बट विद रॉन्ग अमाउंट, मतलब कि कैश सेल ऑफ 76 हैज बीन रिकॉर्डेड ऑफ 67, मतलब कि आपने क्या किया है, आपने 76 रिकॉर्ड करना था लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट कैश 67 और क्रेडिट सेल भी 67 की किया आपने। तो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है डेबिट क्रेडिट में, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकेगा एरर। और आखिरी एरर है हमारा रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, द करेक्ट अमाउंट हैज बीन पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट्स बट ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब कि आपने रिवर्स कर दी एंट्री को, ठीक है। देखें करना क्या था आपने, डेबिट मशीन 5000, क्रेडिट बैंक 5000, ये आपने करना था, लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया, डेबिट बैंक 5000, क्रेडिट
क्रेडिट मशीन 5,000, तो क्या यहाँ पे कोई फर्क आ रहा है? क्या यहाँ पे कोई फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सिर्फ अकाउंट नेम में फर्क है। अगेन ट्रायल बैलेंस को किससे गर्ज है? सिर्फ अमाउंट से गर्ज है, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू से गर्ज है, राइट। तो डेबिट क्रेडिट तो यहाँ दोनों में सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है। तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस अंधा हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो कहेगा चलें कोई बात नहीं आगे चले, बिल्कुल इक्वल शो करेगा वो। ठीक है जी, क्लियर है? ये हमने एरर्स तमाम के तमाम देख लिए, आई होप क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? बिलाल क्लियर है आपको यहाँ तक? ये वाला ओरिजिनल एंट्री का मैं आपको बताता हूँ। देखें इसमें क्या हुआ है कि हमने एंट्रीज दोनों ठीक की हैं, लेकिन उनको रिवर्स कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया है, द करेक्ट डबल एंट्री हैज बीन मेड बट विद रॉन्ग अमाउंट, सिर्फ अमाउंट्स को रिवर्स कर दिया। रिवर्सल ऑफ एंट्रीज में हम क्या कर रहे हैं, हमने टोटल डेबिट क्रेडिट ही चेंज कर दिया, लेकिन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है सिर्फ अमाउंट्स रिवर्स कर दिए हमने। सही है, तो जैसे कि कैश सेल 76 की रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन दोनों जगह डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी आपने दोनों जगह 67 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। ओके जी, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एरर्स वाला पार्ट तो हमने देख लिया, देखें यहाँ पे भी सेम एरर्स हैं, वही वाले। अब हम आते हैं अगली चीज पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, अब सस्पेंस अकाउंट का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में गलती आ रही है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,000, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,800। अब ये 200 का डिफरेंस आपने 3-4-5 महीने लगा दिया, आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इस पे 200 का, सिर्फ 200 के डिफरेंस के लिए, ताकि मिल जाए। आप बिल्कुल बेसिक तक चले गए, आप ट्रायल सॉरी टी अकाउंट्स तक चले गए, जर्नल एंट्रीज तक चले गए, डबल एंट्रीज तक चले गए, आपको ये नहीं मिला एरर। आपने ईच एंड एवरी थिंग कर ली, आपने ट्रायल एंड एरर हर चीज कर ली, आपको एरर नहीं मिला। अब इस केस में आप क्या करेंगे, उस एरर को ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही जाने दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंसेस गलत आ रहे होंगे, राइट। तो इस केस में अगर आपको इतनी गलती ढूंढने के बावजूद भी उसका रीजन ना मिल रहे हो, तो इस केस में हमारा क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट आता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का क्या मतलब है, सस्पेंस अकाउंट तब बनता है, इट इज अ बैलेंसिंग एंट्री। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट पे 200 है ना, 200 का डिफरेंस है, मतलब 200 डिक्रीज्ड है, कम है, तो यहाँ पे मैं सस्पेंस लिखूंगा आखिरी में ट्रायल बैलेंस के, और यहाँ पे 200 की एंट्री लगा दूंगा, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, दोनों 5,000 बन जाएं। ठीक है, कोई भी फर्क यहाँ पे ना रहे। तो व्हेन देयर इज एन इंबैलेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स, द फेलियर ऑफ ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड, एंड देयर शुड बी एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, उस गलती को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो आ रही है। द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द स्पेशल अकाउंट इन द लेजर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट एक बहुत स्पेशल अकाउंट है। ठीक है, द अकाउंट शुड बी ओपन बाय एंटरिंग अ बैलेंस इन द अकाउंट सच दैट इफ द सस्पेंस अकाउंट इज एडेड टू द ट्रायल बैलेंस, टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स विल बी इक्वल। मतलब कि सस्पेंस अकाउंट में हम वो बैलेंस डालेंगे, सस्पेंस से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे हमारे डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हो जाएं। और ये टेम्परेरीली होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। हम सस्पेंस में इसीलिए डाल देते हैं कि चलें हम अभी सस्पेंस में डाल देते हैं, हम आगे जाकर देखेंगे, अगर कोई एरर हमें मिल गया तो फिर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अक्सर केसेस में मिल जाता है एरर बहुत तलाश करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखते हैं इसकी छोटी सी। अ ड्राफ्ट इनिशियल ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, टोटल डेबिट्स कितने 1,456,000 और टोटल क्रेडिट्स कितने 1,27,100। तो इनका डिफरेंस कितना बन रहा है, 18,500। ये देखें आप, 18,500 डिफरेंस बन रहे। अब ये डिफरेंस हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, कौन सी साइड काम है, क्रेडिट साइड काम है। तो हम सस्पेंस अकाउंट बना के, सस्पेंस का टी अकाउंट बना के क्रेडिट साइड पे बैलेंस इसका लिख देंगे 18,500। क्रेडिट पे क्यों लिखा, क्योंकि जब इसमें 18,500 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल बन जाएगी ना अमाउंट, ये वाली और ये वाली, राइट। इसीलिए वहीं पे आपने सस्पेंस का बैलेंस डालना है जहां पे जो अमाउंट है वो दोनों की इक्वल हो जाए, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। सही है जी, समझ आ गई? यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ना बहुत एक हेक्टिक प्रोसीजर है, बुक में जो बताया हुआ है, बुक में देखें गौर से सुने, बुक में हमें क्या बताया हुआ है कि
बहुत लंबा प्रोसीजर है कि पहले देखें होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन, फिर हमने करना क्या था, एक्चुअली किया क्या, और इसको करेक्ट कैसे करेंगे. बहुत लंबा प्रोसीजर है जो कि बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, इट इज प्योरली जस्ट थ्योरेटिकल. सही है, तो हम जैसे सवालों पे जाएंगे ना, हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि क्या करना है. ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है सारा, और उसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं. ये देखें सारी चीजें वो लंबी चौड़ी बताई हुई, कोई इनको पढ़ने का फायदा नहीं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं ये वाली. ठीक है, ऐसे करते हैं डायरेक्ट ट्रेड पे ही चलते हैं, क्योंकि ये अनवांटेडली एक लार्ज एग्जाम्पल है. इतनी लंबी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं आनी. सही, बस इसमें टोटल यही चीज थी. अब जो हमने करना है प्रैक्टिस इसकी करनी है. ठीक है, तो तकरीबन 5-6 सवाल मैं आपको इसके करवा देता हूँ, और जो रिमेनिंग है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल वाली. एक सेकेंड, मैं डेट ओपन कर लूँ यहाँ से. अच्छा जी, ये सवाल है इसमें 206 से 270, जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन और कंट्रोल अकाउंट के मिक्स थे ना, वही वाले सवाल हैं. यहाँ पे मैं अलग कर देता हूँ कौन कौन से हैं इसके. ये तो बैंक रिकंसिलिएशन का है, ये भी रिसीवेबल्स का है, ये भी हमने कर लिया था. अच्छा जी, यहाँ से शुरू होते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले ये करते हैं 213, 213, 213. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड बी फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि कौन से एरर्स ऐसे होंगे जो कि ट्रायल बैलेंस से पता चलेंगे हमें. अ ट्रांजेक्शन हैज बीन कम्प्लीटली मिस्ड फ्रॉम दी अकाउंट्स, तो ये तो मैंने आपको बताया था, अगर कम्प्लीटली मिस हुई है तो ट्रायल बैलेंस तक बात पहुंची नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करेगा, राइट? तो ये आंसर नहीं है. द डबल एंट्रीज हैव बीन मेड इन द हैड बीन मेड द रॉन्ग वे राउंड, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट आपने उल्टा कर दिया लेकिन अमाउंट सेम है, तो ये भी गलती नहीं पकड़ेगा. ठीक है, डिफरेंट फिगर्स हैव बीन एंटर्ड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज. यस, अगर आपने डेबिट पे कुछ और लिख दिया है, 500 लिख दिया है, क्रेडिट पे आपने जस्ट 400 लिख दिया, तो फिर फर्क लाजमी आएगा, ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई करेगा इसमें. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट है, ये भी कंट्रोल है. अच्छा ये करते हैं, ये है ट्रायल बैलेंस वाले 217. सो आर लीन हैज पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर इक्विपमेंट रिपेयर्स ऑफ 242 बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट. देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की जो अमाउंट है सेम, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेचर सेम है. देखें ये इक्विपमेंट रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट है, ये भी रिपेयर हो रही है, राइट? और ये बिल्डिंग रिपेयर है, ये भी एक्सपेंस अकाउंट है. तो सेम नेचर वाला मैंने आपको कौन सा बताया था, एरर ऑफ कमीशन पहला वाला, राइट? प्रिंसिपल में जो था वो डिफरेंट नेचर थी, तो रॉन्ग अकाउंट है लेकिन सेम नेचर है, दोनों एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो व्हाट जर्नल एंट्री एंड एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरर ऑफ ऑमिशन, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे नैरेटिव कहते हैं इसको. ठीक है, नैरेटिव का मतलब कि ये गलती क्यों हुई, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता. आंसर या तो सी है या तो डी है. मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इन दोनों में कमीशन कमीशन लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखते हैं या सी है या डी है. देखिए हमने क्या किया, इक्विपमेंट रिपेयर्स की 240 थे, $240 वो हमने बिल्डिंग रिपेयर में डाले हैं, तो हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, करेक्टिंग एंट्री चाहिए ना. हम बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग रिपेयर को, और डेबिट किसको करेंगे, इक्विपमेंट रिपेयर को, इक्विपमेंट रिपेयर को. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो डालने हैं हमने पैसे, राइट? अब इसका क्या होगा आंसर, बिल्डिंग रिपेयर में हमने डालने, सॉरी बिल्डिंग रिपेयर से हमने निकालने और इक्विपमेंट रिपेयर के अंदर डालने, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि इसने गलती से किस में डाला हुआ है, बिल्डिंग रिपेयर के अंदर, राइट? तो अब हमने इससे निकाल के किस में लाना है, इक्विपमेंट रिपेयर के अंदर, तो इक्विपमेंट रिपेयर डेबिट होएगा क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और बिल्डिंग रिपेयर क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है जी, समझ आइए.
यस सर। अच्छा ये लिंक आप काइंडली फिर से ज्वाइन कर लें जो मैंने आपको भेजा है, क्योंकि ये कोई लिमिट लगी हुई मीटिंग पे, ठीक है? तो ये वाली लिंक आप फिर से ज्वाइन कर लें। सर लीव करके दोबारा करूँ? हाँ जी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है?